हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हमारे सामने खड़ी है MT15, और ये वन ऑफ़ द बेस्ट गाड़ी है नेकेड में। और काफ़ी कॉम्पैक्ट सी है, छोटी सी है, बहुत ही सही लगती है। और ये 150 सीसी के सेगमेंट्स में नेकेड में बहुत ही सही गाड़ी लगती है, स्पोर्ट्स बाइक है ये। और सबसे अच्छी चीज़ में ये लगती है कि ये बहुत ही छोटी सी, कॉम्पैक्ट सी है। और अगर इसकी पावर की बात करें तो 10,000 RPM पर ये 18 BHP जनरेट करता है, जो कि इनफ है इस ये 150 सेगमेंट्स के हिसाब से। 7,500 RPM पर ये 14.1 NM टार्क जनरेट करता है, और जो बहुत सही चीज़ है। और इसका ऑल ओवर लुक मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा इसको मुझे हेड लगता है, इसका हेड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इसका हेड एक बार ऑन करके दिखा देते हैं। इसकी हेडलाइट बहुत प्यारी लगती है, ट्रांसफार्मर जैसा लुक आता है इसका। भाई साहब, DRL LED मिल जाएगी इसमें आपको। और इसमें जो MT जो कलर्स प्रोवाइड करता है वो बहुत ही यूनिक कलर्स होते हैं इसके। और बहुत ही हल्का सा टचअप इसका, जो नियॉन कलर का इसने यूज़ किया है, वही इसके आपको व्हील्स में मिल जाएंगी। इसके जो व्हील्स हैं वो एलॉय हैं, और ये सिंगल चैनल ABS है। जो इसका टेल सेक्शन है, टेल सेक्शन भी बहुत ही प्यारा सा लगता है। जो इसके सीट है, सीट बस थोड़ी सी छोटी लगती है मेरे ख्याल से। और इसको तो जैसे लगता है थोड़ा थोड़ा ड्यूक का कॉपी सा लगता है इसका बैक सीटिंग वाला एरिया। और इसके जो ग्रैब हैंडल्स है वो थोड़े से अच्छे नहीं लगते हैं, ये लोहे के लगे हुए हैं, बहुत ही थोड़े से अजीब से लगते हैं। अगर इसका ग्रैब हैंडल वगैरह यहीं पे अगर देते तो थोड़ा सा सही लगता, लेकिन ये जो फ्रेमिंग के साथ जो आए हैं ये थोड़ा सा अजीब लगता है। और अगर इसके माइलेज की बात करें तो इसका माइलेज भाई बेस्ट है। अगर आप स्टूडेंट हो, और अभी वैसे मैं जितनी भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, जितनी भी बाइक पर वीडियोज़ बन रही है, वो स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मेरे पास उनके ही मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आ रहे थे अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो भाई अभी तक की मैं जितनी वीडियो बना रहा हूँ रिसेंट में, वो जितनी भी हैं वो सब स्टूडेंट के ऊपर बना रहा हूँ। उससे पहले मैं हार्ले वगैरह पे बना रहा था। वन ऑफ द बेस्ट बाइक है फॉर स्टूडेंट। इसका राइड रिव्यू देते हैं। राइड रिव्यू देने के बाद जो भी इसके डाउट्स है वो हम क्लियर कर देंगे। और तो मैंने इसको चलाया नहीं है, तो इसको चला के ही बता पाऊँगा कि ये कितनी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो चला के देखते हैं। और एक बार इसकी साइड प्रोफाइल देख लिया आप, साइड प्रोफाइल इसकी बहुत ही अच्छी लगती, कॉम्पैक्ट सी है, और बहुत ही प्यारा कलर है इसका। इसका फ्रंट बहुत ही अच्छा लगता है, इसका जो फ्रंट हेड है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो चला के देखते हैं। हॉनेस्टली बताऊँ, अगर 150 टू 200 सीसी के सेगमेंट्स में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बेस्ट बाइक ये MT15 है। और द क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन दिस बाइक इज़ वेरी ऑसम, बहुत ही सही कंपोनेंट्स हैं इस बाइक में। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द नेकेड सेगमेंट्स इन दिस माइलेज, भाई नहीं पॉसिबल है इस माइलेज में आपको इतनी सही गाड़ी मिलना, मतलब अल्टीमेट है। एंड 150 सेगमेंट्स में आपको अगर 155 के अराउंड अगर आपको पावर मिल रही है, तो अगर आपको इतनी पावर मिल रही है तो भाई मैं बोलूँगा कि MT इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मशीन इन दिस नेकेड सेगमेंट्स। और ये मुझे बहुत ही सही लगी। प्राइसिंग भी इसकी ज़्यादा नहीं है, ये गाड़ी फॉर सेल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता जा रहा हूँ, जो गाड़ी फॉर सेल है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता जा रहा हूँ, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी इसको भगा के देख लेते हैं, और क्योंकि अभी मैंने टॉप स्पीड वगैरह इसकी नहीं देखी है क्या है। सो अब यहाँ से एक बार टर्न लेके भगा के देख लेते हैं गाड़ी। एक इसका हैंडलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी अच्छी लग रही है ये। इसकी हैंडलिंग बहुत ही स्मूथ सी लग रही है, कि मतलब आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो इसको लेके, कहीं भी जा सकते हो। एकदम कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी सी गाड़ी है। और अब इसको यहाँ पे एक बार भगा के देख लेते हैं। एक्सेलरेशन पावर इसकी बहुत ही सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको भगा के। बहुत ही जल्दी उठ रही है गाड़ी, इतना सही पिकअप है इसका, इतनी सही उठ रही है गाड़ी। और 150 सीसी में आपको 6 गियर बॉक्स दिए जा रहे हैं, भाई बहुत ही सही चीज़ है, बहुत ही बेस्ट मशीन है भाई MT।
आपको अगर आप लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स इसमें बहुत ही सही मिल जाता है नेकेड में। इसकी जो हेड है आपको हेड बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म के साथ थोड़ा मिल जाएगा, थोड़ा सा रोबोटिक टाइप का इसका हेड मिल जाएगा। हैंडलिंग और स्मूथ है और इसका जो टैंक इसकी फ्यूल जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है, 10 के अराउंड है, और जो कि ठीक है इसकी बॉडी वेट के हिसाब से बनाया गया होगा काफ़ी सही है, क्योंकि इसकी जो टैंक इसका भी छोटा है और इसकी जो सीट है वो भी थोड़ी सी छोटी है बाकी गाड़ी से। और अगर ऑल ओवर बात करें तो ऑल ओवर भी बात करें तो ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है बाकी अगर गाड़ियों से कंपेरिज़न करें इसका, काफ़ी सही है गाड़ी। ये बहुत तेज़ी से अप हो रही है। तो गाइज़ अगर आप स्टूडेंट हो और आप कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो, और अगर आप नेकेड सेगमेंट्स में जा रहे हो तो भाई आप MT ले सकते हो, MT बेस्ट है और इसमें नो डाउट कोई भी दिक्कत नहीं है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंटेन करके रख सकते हो। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप डेली यूज़ में भी ला सकते हो इस गाड़ी को, लेकिन आपके मेंटेनेंस के ऊपर है आप कितना मेंटेन करते हो। ऐसा नहीं है कि आप केयर नहीं कर रहे हो और अब इसको डेली यूज़ में ला रहे हो तो वो भी सही चीज़ नहीं है, आप इसको मेंटेन करो। गाड़ी बहुत ही अच्छी है, इंजन इसका बहुत ही अच्छा है और मैं एक बार फिर से बोलूँगा 150 सेगमेंट्स में अगर आपको इतनी पावर मिल रही है तो भाई ये ऑसम मशीन है। अगर आपको मेरी वीडियो में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी हर वीडियो में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।